Hello everyone, I am Kajal and welcome back to my channel Kajal Saga. I am back with another video. जो आज की वीडियो होने वाली है, जैसा कि आप सब जानते हैं, नायका पर हॉट पिंक सेल लाइव है. काफी सारे ब्रांड्स के ऊपर, स्किन केयर, ब्यूटी एंड मच मोर, काफी अच्छी सेल लाइव है. 50% to 60% ऑफ या 25% ऑफ हर एक ब्रांड में कहूंगी आपको, हर एक ब्रांड पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट या ऑफर आपको देखने के लिए मिल जाएगा. यही तो टाइम है इस बात का, आपको एडवांटेज लेना चाहिए. एंड यस, अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं ब्यूटी और स्किन केयर की, सो ये टाइम सही, बिल्कुल टाइम है ये. आप ये अभी इस टाइम पर आप शॉप कर सकते हैं. एंड आज की वीडियो में आपके साथ में काफी सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो मुझे पसंद हैं एंड यस, जो काफी ज्यादा अच्छे हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं. सो यस, ये लुक मैं आपके साथ क्रिएट करूंगी एंड साइड बाय साइड मैं आपके साथ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी शेयर करती रहूंगी. अगर आपको मेरा आज का ये लुक अच्छा लगता है तो वीडियो में एंड तक बने रहना एंड यस, मुझे सपोर्ट करिए एंड मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. एंड वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड यस, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी इसी तरह की वीडियोस, फैशन कंटेंट, ब्लॉग्स तो वैसे भी आप देखेंगे ही, फेस्टिवल्स जो आ रहे हैं सारे. चलिए बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. पहले मैं यूज कर रही हूँ प्लम का ग्रीन टी अल्कोहल फ्री टोनर. आप इसको परचेज करके देख सकते हैं, काफी अच्छा टोनर है. एंड यहाँ पर मेरे पास है, लेकिन इसका आपको नायका पर टोनर अप्लाई करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगी एज अ मॉइस्चराइजर, वो है सेरेमाइड प्लस एचए इंटेंस मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन के लिए है. ये ड्राई स्किन के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है एंड दिस इज फ्रॉम दी ब्रांड द डर्माको. आप इसको भी ट्राई आउट करके देख सकते हैं, बजट फ्रेंडली ढूंढ रहे हैं आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं. यस, एंड वैसे भी मेकअप से पहले हमें अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लेना चाहिए. हमें टोनर, मॉइस्चराइजर प्लस हमें इन सब से पहले अपने फेस को क्लेंस कर लेना चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ गुड फेस वॉश, जो हमारी स्किन को सूट करे ताकि हमारा मेकअप फ्लॉलेस मिले एंड हमारा बेस एकदम अच्छा हमें मिल जाए. टोनर मॉइस्चराइजर के बाद अब हम अप्लाई करेंगे प्राइमर. ओके, जो प्राइमर के लिए मेरे पास है, जो बहुत से लोग आपको रिकमेंड करते होंगे, दैट इज द स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर. OMG, आप इसको एक बार परचेज करके देख लो, आपको भी इसकी हाइप समझ आ जाएगी. आपके ब्यूटी वार्डरोब में ये नहीं है तो कोई पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज ये इतना ज्यादा अच्छा है. मैं आपके सामने इसको ओपन करके दिखाती हूँ, इतना ज्यादा अच्छा है कि आप इसको यूज करेंगे कोई भी स्ट्रॉब क्रीम एंड प्राइमर को आप भूल जाएंगे. ये आपके फेस को प्राइम भी करता है एडिशनली. यस, प्राइमर के साथ साथ ये मॉइस्चराइजर का भी काम करता है, बिकॉज इट्स वेरी मॉइस्चराइजिंग. आप इसको भी ट्राई आउट करके डेफिनेटली देख लेना. ओके, चलिए इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ. अपने क्या करती हूँ मैं, इसको हाई पॉइंट पर लगाकर अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ. इस तरीके से हम इसको हाई पॉइंट पर लगा लेंगे अपने,
एंड इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अभी आप शीन देखना कितनी अच्छी शीन ये आपके फेस पे प्रोवाइड कर देगा। यस, आपको दिख रहा होगा। आपको रिकमेंड करूंगी लैक्मे की 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन एंड लैक्मे पर आपको अराउंड 50% ऑफ नायका पर इस टाइम मिल जाएगा एंड आप वहां चेकआउट कर सकते हैं। इस फाउंडेशन को काफी अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगी, अराउंड 300 rupees समथिंग आपको इसके लिए पे करना होगा। इसमें जो मेरा शेड है वो है W120 वॉर्म क्रीम। कंसीलर के लिए मेरे पास है यहाँ पर इनसाइट का HD कंसीलर एंड इसका प्राइस है कुछ, प्राइस जो सबके होंगे वो आपको स्क्रीन पर मैं मेंशन कर दूंगी एंड वैसे इसका MRP है 230 बट इनसाइट पर काफी अच्छे ऑफर्स है, अराउंड 10 to 15% ऑफ आपको इनसाइट कॉस्मेटिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगा। सो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो इनसाइट का HD कंसीलर एंड ये HD इस पर लिखा है तो ये ऐसे HD वाला ही काम करता है एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स। पैकेजिंग काफी अच्छी है, वॉन्ड काफी इसकी ब्रॉड आपको मिल जाती है इस टाइप से एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है LN10। यस, LN10 है, LN10 है एंड एक ही ब्राइटनिंग कंसीलर का काम करता है। फाउंडेशन आप देख सकते हैं कितनी फ्लॉलेस है। सो अब हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। ये कंसीलर मैं कहूंगी कि ये कि सेल्फ सेटिंग कंसीलर है क्योंकि जैसे ही आप इसको अप्लाई कर लेते हैं आपको इसको बिना टाइम दिए जल्दी से आपको इसको ब्लेंड करना है वरना ये सेट होना शुरू हो जाता है क्रीज के अंदर स्पेशली। सो इसको बिना टाइम लगाए इसको हमें ब्लेंड कर लेना है एंड इसकी कवरेज तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, माइंड ब्लोइंग कवरेज ये आपको प्रोवाइड कर देता है। आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कितनी अच्छी फिनिश इसने प्रोवाइड कर दी है। बस इस कंसीलर को लेने के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है, लगाने के बाद इसको बिना टाइम दिए ब्लेंड करना है वरना ये सेट होना शुरू हो जाता है एंड इसको ब्लेंड करना फिर डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी इसमें कोई कमी नहीं है, अच्छा कंसीलर है, आप इसको परचेज करके डेफिनेटली आप इसको चेकआउट। आज हम बड़ा ऑन द गो वाला ऐसे मतलब न्यूड की साइड थोड़ा सा मेकअप लुक कर रहे हैं। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट अभी हम सेट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें क्रीम ब्लश अप्लाई करना है या सॉरी लिप एंड चीक टिंट मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी। सो लिप एंड चीक टिंट है मेरे पास यहाँ पर जस्ट हर्ब से एंड इसका शेड है ब्रिक रेड 01 ब्रिक रेड एंड काफी अच्छा शेड है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, दिस इज द शेड, काफी अच्छा शेड है एंड हाईली पिगमेंटेड है ये एंड ये ब्लेंड सीमलेसली ये ब्लेंड हो जाता है एंड काफी अच्छा सा ऐसे नेचुरल सा आपको पिंकी ब्लश ग्लो दे देता है आपके फेस के ऊपर। सो हम इसको अप्लाई कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम सेट करेंगे। सो इसको हम अपनी फिंगर से ही ब्लेंड कर लेंगे, जस्ट स्माइल एंड इसको ब्लेंड करना है। आपको एक अच्छा सा फ्लश ऑफ लुक दिखने को मिल रहा होगा यहाँ पर। सो ये काफी अच्छा ब्लश है एंड आपको इसको ऐसे भी लगाएंगे क्योंकि कॉन्टोर पैलेट ब्लश पैलेट तो आपको सब दिखाते हैं लेकिन ये काफी अच्छा सा अमेजिंग प्रोडक्ट है। आप इसको
चेकआउट डेफिनेटली कर लेना। थोड़ा सा एक्सपेंसिव मैं कहूंगी, 500 समथिंग आपको मिल जाएगा, लेकिन यस काफी अच्छा प्रोडक्ट है। एंड कुछ भी नहीं है आपके पास, जब आप देखें कुछ भी नहीं है अगर आपके पास, जैसे कि आप इसको एज आई शेडो भी यूज कर सकते हैं, ऑफकोर्स ऐसा लिपस्टिक भी यूज कर सकते हैं, ब्लश की तरह तो ये आप यूज कर ही सकते हैं। सो इसके काफी अच्छे बेनिफिट्स है लेने के, आप इसको काफी तरीकों से यूज कर सकते हैं। ओके दिस वन, क्योंकि समर से तो अपने बेस को सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एक सुपर अफोर्डेबल कैटेगरी का मैं आपको लूज पाउडर यहाँ पर रिकमेंड करूंगी। सो यहाँ पर है मेरे पास ब्लू हेवन से फ्लॉरेस फिनिशिंग पाउडर, एंड ये लॉन्ग स्टे है, आपको काफी अच्छी रेडिएंट फिनिश दे देता है, एंड इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा रीजनेबल है। 135 इसका एमआरपी है, बट आपको अंडर 125 या 128 तक आपको ये नायका पे मिल जाएगा। एंड ये सेल लाइव है तो ब्लू हेवन पे तो आपको 20-25% ऑफ जहां तक मुझे याद है तो वो है ही। सो आप वो चेकआउट कर लेना। एंड इस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई भी लूज पाउडर इतना अच्छा नहीं मिलेगा, एंड ये हाईली मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। एंड इसमें मेरा जो शेड है वो है नेचुरल। सो कुछ इस टाइप से इसकी पैकेजिंग है, पैकेजिंग काफी अच्छी है, पफ इसका जो मिलता है आपको इसके साथ काफी अच्छा है। एंड क्वांटिटी तो यस काफी लंबे टाइम तक चलेगी, काफी ज्यादा अच्छी है। ओके सो हम इससे ही सेट करेंगे आज अपने बेस को, एंड जहां पर हमने ब्लश लगाया सिर्फ उसके ऊपर नीचे हम सेट कर लेंगे। थोड़ी सी बेकिंग करेंगे यहाँ पर, ओके बेक हो रहा है फेस। जब तक हमारा बेस सेट होता है हम क्या करेंगे, अब हम 5 मिनट्स तक फेस को बेक होने देंगे, एंड नेक्स्ट हम आईब्रोज फिल इन कर लेते हैं। तो आईब्रो फिल इन करने के लिए मेरे पास एक बहुत ज्यादा अमेजिंग सा प्रोडक्ट है आप सभी के लिए। सो वो है मार्स की ब्राउ पैलेट, मार्स की ब्राउ किट है ये, एंड ये काफी ज्यादा अच्छी है। यस मार्स भी आपको नायका पर मिल जाएगा, एंड उस पर भी काफी अच्छे ऑफर्स है। सो इसका जो एमआरपी है वो है 199, बट इससे कम में ही है डेफिनेटली, क्योंकि सेल है तो आपको मिल जाएगा। सो इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ मार्स की पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अप टू दी मार्क है। आप यस हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ ये आपको, मैं आंख बंद करके इसको ले सकते हैं। ओके सो इस किट में आपको मिल जाते हैं 4 शेड्स, लाइट अंडरटोन का ब्लैक है, एंड ये डार्क है, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में आपको मिल जाती है एक एंगुलर ब्रश, यस इस टाइप से आपको एक एंगुलर ब्रश मिल जाती है, एंड इसके साथ में मिल जाता है एक स्पूली। सो ये इट्स अ कंप्लीट किट, आपके पास ये है तो आपको कोई और ब्रश या स्पूली को एडिशनली लेने की जरूरत नहीं, आप इससे ही काम चला सकते हैं। ओके हम इससे आईब्रो को फिल इन कर लेंगे। मैं क्या करती हूँ, मैं इन दोनों शेड्स को मिक्स करके इस तरीके से टैप टैप एक्सेस बाहर, एंड अब हम आगे से फिल इन, पहले हम स्पूली से क्या करेंगे आईब्रोज को, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, डाउनवर्ड हम कॉम कर लेंगे इस टाइप से, एंड हम अब इसको आगे से फिल इन करना यहां से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रोक्स इस तरीके से ऊपर की तरफ हम स्ट्रोक्स बनाते जाएंगे। एंड फिर उसके बाद सिंपली हम स्पूली की हेल्प से अपवर्ड हम प्रोडक्ट को ब्लेंड कर देंगे। सो डन, है ना इजी। ओके सेम मैं इस आईब्रो को कर लेती हूँ। ओके सो आई शेडो के लिए मेरे पास एक सबसे अच्छा रिकमेंडेशन है आपके पास, मार्स की फैंटेसी 15 कलर आई शेडो पैलेट, एंड इसमें जो शेड है मेरे पास वो है टू शेड है मेरे पास। प्राइस इसका 349 है, बट अंडर 250 या 300 के अराउंड आपको ये नायका पर इजीली मिल जाएगी, क्योंकि यस मार्स भी नायका पर अब अवेलेबल है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं मार्स के प्रोडक्ट। यस सो ये पैलेट मैंने अपने चैनल पर आपको कई बार इसके बारे में बात करी एंड कई बार मैंने आपको दिखाई है। सो आप भी सोचते होंगे कि एक ही पैलेट दिखाती है कुछ ऐसा, बट यस आप एक बार इस पैलेट को यूज कर लेंगे तो
सारी पैलेट भूल जाएंगे, क्योंकि इसकी जो शेड है, पिगमेंटेशन है एंड प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा अच्छी है कि आप कोई भी आई शेडो पैलेट अगर है आपके पास, अफोर्डेबल वाली बात कर रही हूँ, महंगी वाली नहीं, यस अफोर्डेबल वाली, तो आप इसके सामने भूल जाएंगे। एंड इतनी अच्छी क्वालिटी है कि इसको ही यूज करने का मन करता है। तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं आपको वही रिकमेंड कर रही हूँ यहाँ पर, मार्स की आई शेडो पैलेट। इसमें मेस्मराइजिंग वाली एक इसकी आती है एंड काफी सारी आती है, बट ये वाली मुझे सबसे अच्छी लगी, सो आपको मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ। मैंने आपको बोला था हम काफी ऑन गो टू सा लुक करेंगे आज, न्यूड की तरफ ही ज्यादा रखेंगे कि नॉर्मल मेकअप लुक हमारा लगे। एंड यस, तो उसके लिए आज हम पिक कर रही हूँ सबसे पहले मैं ये बर्नट ऑरेंज शेड है यहाँ। अच्छा, याद रखना है आपको एक्सेस आउट। ओके, क्रीज पर इसको अप्लाई करेंगे। अपने आउटर कॉर्नर पर, यस आउटर कॉर्नर पर हम अप्लाई करेंगे। दिस चॉकलेट ब्राउन शेड एंड जस्ट इसको हम इधर अप्लाई कर लेंगे एंड अंदर की साइड इसको इसके साथ हम ऊपर की साइड ऐसे हम इसको हम ब्लेंड कर देंगे इस तरीके से एंड थोड़ा सा नीचे की साइड। की हेल्प से हम ये वाला लाइट टोन का गोल्डन शेड हम फिंगर की हेल्प से पिक करेंगे, क्योंकि इस पैलेट के फिंगर की हेल्प से शिमर बहुत अच्छे से पिक हो जाते हैं। सो अब हम इसको इस टाइप से अपने इनर कॉर्नर की तरफ ले जाते हुए हम अप्लाई करेंगे एंड सेम ब्लेंडिंग ब्रश जिस पर ऑरेंज लिया था उस पर फिर से हम टैन ऑरेंज लेंगे, डस्ट ऑफ करेंगे एंड फिर से ऊपर की साइड हम इसको ब्लेंड कर देंगे ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे इस टाइप से। आई शेडो में एक और एडिशन है मेरे पास आपके लिए, वो है ब्लू हेवन की ब्लिंग लिक्विड आई शेडो एंड एक काफी ज्यादा अफोर्डेबल कैटेगरी की है। इसमें मेरा शेड है 04 ब्रॉन्ज स्टारडस्ट। सारे चीजों के आपको जो यस प्राइसेस है ड्यूरिंग दिस सेल आपको मेरी स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाएंगे, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। सो ये काफी अच्छा है, स्विस ब्यूटी वाले जैसा नहीं है लेकिन काफी ज्यादा अच्छा मैं कहूंगी फिर भी। सो ऐसा लगता है ये ट्रांसपेरेंट सा आपको ऐसा ग्लिटरी इफेक्ट दे देता है। सो हम क्या करेंगे, इनर कॉर्नर की तरफ इसको हल्का हल्का इस टाइप से अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट फॉर लाइनर मेरे पास नायका का ही रिकमेंडेशन है, नायका ब्लैक मैजिक लिक्विड लाइनर। अफोर्डेबल येट काफी ज्यादा अच्छा है, पैकेजिंग कुछ इस टाइप से आपको मिल जाती है एंड इसकी टिप भी बहुत ज्यादा फाइन है एंड जेट ब्लैक है, बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल जेट ब्लैक है। सो डन विद द लाइनर एंड काजल के लिए मेरे पास है नायका की ब्लैक मैजिक काजल, काफी अच्छी काजल है। प्राइस है इसका 170 रुपीज, बट ऑफकोर्स नायका पर सेल है तो नायका के प्रोडक्ट्स तो आपको यस ऑन डिस्काउंट मिलेंगी एंड वैसे भी इनका कॉम्बो अवेलेबल होता है दोनों का, काजल प्लस लाइनर, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। शायद वो मेरे हिसाब से 100 रुपीज 300 आपको मिल जाता है। सो ये मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, कुछ इस टाइप से इसकी पैकेजिंग है। मैंने हल्का हल्का स्मज कर लिया है एंड कुछ इस टाइप से लुक लग रहा है। मस्कारा एंड फॉल्सिस वाला इफेक्ट दे देता है ये, आपने पहले भी इसको देखा होगा। सो जो इसका वॉन्ड है मैं आपको दिखा देती हूँ,
कुछ यस कुछ इस टाइप से इसका वॉन्ड लगता है एंड इसको जल्दी से अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको, काफी अच्छा इफेक्ट दे देता है ये इसमें। सो मस्कारा डन, सब कुछ डन एंड अब लास्ट हमारे पास स्टेप बचता है लिपस्टिक। सो यहाँ पर है मेरे पास कलर बार की मैट मी एज आई एम लिपस्टिक एंड इसमें जो मेरा शेड है शेड इज सियूली 009 एंड इसकी पैकेजिंग काफी ज्यादा अच्छी आपको इस टाइप से मिल जाती है प्रोडक्ट और इसका ये शार्पनर है। सो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, तो शार्पनर आपको इस वाले क्रियोन का आपको इस टाइप से मिल जाता है, ओके विच इज ग्रेट, बहुत कम लिप क्रियोन्स के साथ आपको शार्पनर मिलता है एंड दिस इज द प्रोडक्ट। इसका स्वॉच मैं आपको दिखा देती हूँ, काफी अच्छा इस लुक के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग ये शेड ज्यादा इस पे ब्राइट लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, मेबलिन का दूसरा शेड है मेरे पास न्यूड न्यूएंस, सो हम इसको अप्लाई कर लेंगे। बेस्ट सेलिंग शेड है ये एंड इसका स्वॉच कुछ इस टाइप से है, इसको इसके ऊपर लगा लेंगे। ओके हेयर इज माई फाइनल लुक एंड अगर मेरा आज का लुक आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि इसी तरह की वीडियोज आपको आगे भी देखने के लिए मिलती रहे। और यस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं कि आपको किस टाइप की वीडियोज देखना पसंद है एंड अब तो फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो काफी सारे व्लॉग्स मेरे लाइनअप रहेंगे तो आप व्लॉग्स मेरे इंजॉय कर सकते हैं एंड ब्यूटी फैशन कंटेंट तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ फुल वीडियो में भी एंड ये शॉर्ट्स तो काफी सारी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो आप उन्हें भी जाकर देखें एंड यस डू सपोर्ट मी एंड हेल्प मी टू ग्रो। ओके तो यस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड स्टे हैप्पी।